हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे इस एयर कंप्रेसर की कैसे सर्विस करनी है। ये ELGI कंपनी का है, तो मैंने वहाँ का एक बंदा ही बुलाया जो इसकी सर्विस करेगा और फुली इन्फॉर्मेशन लेंगे, डीपी समझेंगे कैसे कैसे सर्विस करनी है और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, उसके मैं फुली इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। इसको पूरा आप देखिए, आपके लिए बहुत गुड वीडियो है। एंड माय नेम इज मंदिर, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो, लेट्स स्टार्ट। इस सर्विस में हम जनरल सर्विस करेंगे, जिसमें हम इंजन ऑयल को चेंज करेंगे और एयर फिल्टर को नीट एंड क्लीन करेंगे। हमने इस पॉलिथीन का यूज़ करें ताकि जो इसका ब्लैक ऑयल, खराब ऑयल निकलेगा उससे इस पन्नी में भर सके, वो बिखरे ना, गंदगी ना फैलाए, इसलिए हम इस पॉलिथीन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक इंडिकेटर होता है जो इंजन ऑयल की क्वांटिटी बताता है कि इसमें कितना इंजन ऑयल है, वहाँ से भी ऑयल निकाल सकते हैं और जो ये 22 नंबर का बोल्ट है वहाँ से भी ऑयल को खोल के निकाल सकता है। तो हमने इंडिकेटर जो होता है उसको खोल लिया ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन ऑयल बाहर निकलने लगा ब्लैक ब्लैक कलर का, जैसे आप देखते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लोली निकल रहा है, इसे आराम से निकल देना है बाहर। और हम देख सकते हैं ये 22 नंबर बोल्ट है, इसे हम खोल लेंगे तो यहाँ से इंजन ऑयल हम बाहर निकाल सकते हैं। हमें इस काम को थोड़ा फास्ट करना था, इसलिए हमने इसको इंडिकेटर जो होता है उसका ऑयल का उसको भी खोल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी बोल्ट खोलने के बाद जो ब्लैक इंजन ऑयल है वो बाहर निकलने लगा, वो धीरे धीरे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये ऑयल निकलने लगेगा। इसमें 800 मिलीलीटर के अराउंड में कंप्रेसर ऑयल आता है और हम जो कंप्रेसर ऑयल यूज़ करेंगे वो ELGI इसी कंपनी का कंप्रेसर ऑयल है, बहुत बेहतरीन ऑयल है वो। मैं आपको उसको फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो दिखता कैसे है और उसको डाल के भी देखेंगे कि वो कैसा है। एंड जैसे आप देख रहे हैं इस काम को पूरा करने में थोड़ा टाइम लगेगा ताकि इसमें से जो भी गंदा ऑयल है वो पूरा बाहर निकल जाए। और ये इंडिकेटर है जैसे मैंने बताया था, इसमें मैक्सिमम मिनिमम होता है जो बताता है कि इसमें कितनी ऑयल की, कंप्रेसर ऑयल की क्वांटिटी है। जैसे आप देखते हैं रेड रंग का निशान जो है, हमें जो साफ़ करना है इसे, हमें ऑयल की मदद से साफ़ करना है। आप कपड़ा ले गए आप, हमारे पास ऑयल नहीं था इसलिए हम कपड़े से साफ़ करें ताकि अंदर से बाहर से पूरी जगह से अच्छे से साफ़ हो जाए, पर आपको ऑयल से अच्छे से साफ़ करना है इसको। जैसे आप देख सकते हैं अंदर कोई भी गंदगी होगी तो हम इसकी मदद से इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, पर जो इसको अच्छे से साफ़ करने का तरीका होता है इसको ऑयल से अच्छे से धोया जा सके, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्रेसर की सफाई की जा रही है और ऑयल को टाइम टू टाइम आपको सर्विस करानी है ताकि आपको जो इंजन, जो पिस्टन होते हैं, कनेक्टिंग रॉड होते हैं, इसके अंदर सबकी लाइफ बढ़ सके, लुब्रिकेशन आपका अच्छा हो सके। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हमने इसको निकाल के साफ़ कर दिया है। अब इसके जो इंडिकेटर वाला होता है उसे लगाना है, जैसे हम देख सकते हैं लगा दिया गया है, उसे फिट कर दिया है और जो हमारा 22 नंबर का बोल्ट था उसे भी टाइट कर देंगे क्योंकि अब हमें इसमें कंप्रेसर ऑयल डालने का टाइम आ चुका है। जैसे आप देख रहे हैं उसे हम पानी की मदद से टाइट कर देंगे ताकि कम्प्लीटली टाइट हो जाए, क्योंकि जब हमारा एयर कंप्रेसर चलेगा तो उसमें प्रेशर जनरेट होगा जिसके कारण से अगर लूज़ होगा तो वहाँ से ऑयल भी निकलेगा और इस जो इंडिकेटर जो इंजन ऑयल को दिखाता है इसमें कितनी क्वांटिटी है उसको भी अच्छे से रिंच की मदद से टाइट कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हमें एक बोल्ट को खोल देना है ताकि इसमें जो गैसेस बनी होती हैं वो बाहर निकल जाए, जैसे आप देख रहे हैं, इसलिए हम इसका खोलने का हमारा यही एक मोटिव है। अभी इसको खोलने के बाद इसमें जो गैसेज होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। आप ये जो पाइप देख रहे हैं इसमें से हमें जो कंप्रेसर ऑयल था वो डालना है इसके अंदर। ये ELGI कंपनी का कंप्रेसर ऑयल है, इसमें 800 मिलीलीटर के अराउंड में कंप्रेसर ऑयल डाला जाता है। जैसे आप देखते हैं इसमें जो इसकी स्मूथनेस है, इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जो हमारे ब्लॉक्स इंजन, ये एज ओ टू इंजन ही होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आराम आराम से आपको डालना है इसमें ऑयल ताकि कम्प्लीटली स्लोली स्लोली पूरा फिल हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं रुक रुक कर डालना है। और जो इसका इंजन ऑयल का इंडिकेटर होता है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम होता है, वो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि इसमें कितना ऑयल है। ऊपर वाला जो आप जो गोल रंग का निशान देख रहे थे वो मिनिमम और मैक्सिमम है। एंड ये ELGI कंपनी का एयर ल्यूब है, जैसे आप देख सकते हैं कंप्रेसर ऑयल है हमारा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑयल है। और इसमें जो गोल निशान दे रखे हैं वो
उसके ऊपर जाएगा तो वो मैक्सिमम है और नीचे आएगा तो मिनिमम है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं इसके एयर फिल्टर की को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो एयर फिल्टर होता है अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो उसमें जो ऑयल होगा, जो एयर होगी वो साफ़ सुथरी जाएगी और पिस्टन उससे कम्प्लीटली कंप्रेस्ड करेगा, क्योंकि जब चीज़ें साफ सुथरी रहेंगे तो उसमें उसे ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो आते हैं। अब इस बोल्ट को भी हमें टाइट कर लेना है जो हमने खोला था गैसेस को बाहर निकालने के लिए, और ऊपर से जहाँ से हमने ऑयल डाला है, इंजन ऑयल को डाला है, उसको भी हमें टाइट कर देना है। जैसे आप देखें हमने इसे कम्प्लीटली टाइट कर दिया है, और कपड़े से जो भी ऑयल वॉयल लगा हुआ उसको बिल्कुल साफ़ कर देना है। बिल्कुल अगर साफ़ सुथरा, अगर आप किसी मशीन को साफ़ सुथरा रखते हो, हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखोगे तो आपकी मशीन की लाइफ इंक्रीज होगी, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है और उसके अंदर उसकी लाइफ इंक्रीज होती है। क्योंकि गंदगी रहेगी कहीं पर भी मशीनों के अंदर तो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको अपनी मशीनों का ख्याल रखना है तो उसको साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना है। ये एक मैं बेस्ट टिप आपको दे रहा हूँ, अगर आपको मशीन की लाइफ बढ़ानी है तो उसको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। हमने देख सकते हमने एयर फिल्टर को खोल लिया, अब प्लास्टिक में से उसका जो बोल्ट होता है उसको ओपन कर देना, ताकि इसमें से एयर फिल्टर होता है उसको निकाल के उसको नीट एंड क्लीन किया जाए। उसका प्रोसेस भी दिखाएंगे कि कैसे उसको अच्छे से हम साफ कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। पहले इस बोल्ट को ओपन होने जाने दो। आप देखते हैं ये वो क्लिप है वो खुल गया है, खुलने के बाद उस क्लिप को बाहर निकाल लेना है, और निकालने के बाद आप देख सकते हैं उसे साफ करना है। और ये आप देखते हैं जो अंदर से गोल सा चीज निकला है वो एयर फिल्टर है, और ये जो ये कम्प्लीट इसकी बॉडी है जिसको कवर करती है ताकि बाहर की जो मिट्टी होती है और उसके बॉडी में ना आए। जैसे आप देखते हैं कम्प्लीटली हमने उसको डिसेंबल कर दिया है, और जो इसका एयर फिल्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका एयर फिल्टर है जो जो अंदर एयर जा रही है इंजन के अंदर उसको में से धूल मिट्टी जो होती है उसको रोक लेता है, और इसके चारों तरफ बॉडी के अंदर आप मिट्टी देख सकते हैं, इसलिए उसको पेचकस की मदद से हम साफ कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, और मिट्टी को बाहर निकाला जा सके। कपड़ा डाल के भी साफ करना है इसे। आपको इस चीज़ को बिल्कुल ही गौर करना है, आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई टेंशन लेने वाली बात है आपको। आप जैसे देख सकते हैं कपड़ा ले से उसको बिल्कुल कम्प्लीट साफ कर देना है, और फिर हमें करना है एयर फिल्टर को साफ। जैसे आप देख रहे हैं एयर फिल्टर को आप जैसे देखते हैं हमारी जो टिप है उसकी मदद से हम इसको साफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और इससे हम इसके अंदर जो धूल मिट्टी होती है सारी बाहर निकाल देंगे। क्योंकि ये साफ हो जाएगा तो जो अंदर एयर जाएगी वो साफ सुथरी जाएगी, इसमें जो स्टोर करने के लिए क्वान्टिटी होगी यही एयर में से मिट्टी विट्टी जो भी होती है उसको रोक लेगा। अब इसके अंदर एयर फिल्टर को डाल के उसको कम्प्लीटली असेंबल कर देना, और उसमें क्लिप जो होती है उसको लगा लेना, ताकि हम एयर फिल्टर को फिट कर सकें हमारे कंप्रेसर के साथ। ये जो क्लिप है बहुत बड़ी क्लिप है, इसको टाइट कर देंगे, बस हमारा जो एयर फिल्टर है वो रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं ये असेंबल कर दिया जा रहा है, और जब बहुत सारी अच्छी ट्रिप है ये, आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है और ना कोई दिक्कत लेने वाली बात है। प्लास्टिक टाइट कर दो बोल्ट को, और जो उसकी फिटिंग होगी आप देख सकते हैं इसे कैसे फिट किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी बोल्ट जो है हमारा टाइट हो गया, और इसको लगा देना है, और जैसे अब जैसे कंप्लीट फिक्स हो चुका है उसके साथ, और उसे घुमाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि वो एयर को सक कर रहा है या नहीं कर रहा, आवाज़ भी सुन सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें हमने जो हमारा एयर कंप्रेसर का ऑयल है उसको चेंज किया है, एंड एयर फिल्टर होता है हमारा उसको साफ किया है,